हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना लेसन नंबर फोर का कुछ बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उस लेसन की जो हमारे पेंडिंग थे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम होमवर्क देखेंगे होमवर्क में आपके फिलअप्स हैं चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स जो कि हमें बॉक्स से लिखने थे फर्स्ट है हमारा टू ड्रॉ अ शेप विद मोर देन टू साइड्स यूज द डैश टूल जब भी हमें दो साइड से ज़्यादा की शेप को ड्रॉ करना होता है तो हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं पॉलीगन टूल नेक्स्ट द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व लाइन जब भी हमें पेंट में स्मूथ कर्व्ड लाइन को ड्रॉ करना होता है तो हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं कर्व टूल थर्ड इज द कलर पिकर टूल इज़ यूज टू चूज ए डैश फ्रॉम एन इमेज जो कलर पिकर टूल होता है उसको क्या चूज करने के लिए इमेज के लिए क्या चूज करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं कलर चूज करने के लिए तो आंसर होगा कलर टू जूम इन टू अ पिक्चर यूज द डैश टूल किसी भी पिक्चर को हम बड़ा करके देखने के लिए या जूम करके देखने के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं मैग्नीफायर टूल आंसर होगा मैग्नीफायर फिफ्थ टू रिटर्न टू द नॉर्मल साइज ऑफ द पिक्चर डैश ऑन द पिक्चर जब भी हमें किसी भी पिक्चर के नॉर्मल साइज पर वापस जाना होता है अगर हमने उसको जूम किया हुआ है तो हमें अगर उसके नॉर्मल साइज पर वापस जाना होता है तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे अपने माउस का राइट क्लिक हम उसको पिक्चर के ऊपर ले जाकर प्रेस करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है अभी हमने फिलअप्स में भी देखा पॉलीगन क्या होता है फिर से हम बता देते हैं द पॉलीगन टूल इज used टू draw अ शेप विद मोर देन टू साइड्स जो पॉलीगन टूल होता है जब भी हम किसी शेप को जिसकी दो साइड से ज़्यादा साइड्स होते हैं जब हम उस शेप को ड्रा करते हैं तो हम पॉलीगन टूल का यूज करते हैं नेक्स्ट इज लिस्ट एनी थ्री ऑब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर द यूज ऑफ द कर्व टूल आपको ऐसे तीन ऑब्जेक्ट बताने हैं जिसमें कि कर्व टूल का रिक्वायरमेंट होता है तो तीन ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे कलर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट थर्ड इज़ हाउ many टाइम्स कैन यू bend अ curve इन पेंट आप पेंट में कर्व को कितनी बार पेंट के अंदर आप कर्व को कितनी बार बेंड कर सकते हैं आंसर होगा इसका टू टाइम्स आप दो बार से ज़्यादा किसी भी पेंट में कर्व को बेंड नहीं कर सकते वट इज़ द यूज ऑफ द कलर पिकर टूल कलर पिकर टूल का क्या यूज़ होता है अभी हमने पीछे फिलअप में पढ़ा था कि कलर पिकर टूल जो होता है वो कलर किसी भी इमेज के अंदर कलर को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है आंसर देखते हैं द कलर पिकर टूल इज़ यूज टू चूज अ कलर फ्रॉम एन इमेज किसी भी इमेज के लिए आप कलर को चूज करने के लिए कलर पिकर टूल का यूज़ करते हैं विच कैन देन बी सेट एज कलर वन और कलर टू जिसको हम कलर वन या कलर टू जिससे भी हम सेट करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है आपका राइट द स्टेप्स टू जूम इन टू अ पिक्चर इन पेंट जब भी आपको किसी भी पिक्चर को जूम करना है बड़ा करके देखना है तो उसके आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए उसको अब हम आंसर में देखेंगे आंसर इज द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू जूम इन टू अ पिक्चर किसी भी पिक्चर को जूम करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं मैग्नीफायर टूल टू यूज़ मैग्नीफायर टूल सम स्टेप्स आर एस फॉलोज जो मैग्नीफायर टूल होता है उसको हम फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे मैग्नीफायर टूल जो आपके पेंट में बना हुआ है उसको हम उस पर जाके उसको क्लिक करेंगे सेकेंड पॉइंट है आपका ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राॅइंग एरिया हम उस ड्राॅइंग एरिया पर अपने मॉइस माउस का जो पॉइंटर होता है वहाँ उसको लेकर जाएंगे थर्ड इज़ द मैग्नीफायर टूल शोज अ रेक्टेंगल अराउंड इट अ मैग्नीफायर टूल जो होगा उसके चारों तरफ जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर है उसके चारों तरफ क्या करेगा एक रेक्टेंगल को शो करेगा अब हमें क्या करना है क्लिक करना है फोर्थ हमारा लास्ट पॉइंट जो है उसको हमें क्लिक करना है किसी भी पिक्चर के पार्ट पर ले जाकर हमें उसको क्लिक करना है और मैग्नीफायर टूल जो होता है वो आपका अप्लाई हो जाएगा यानी कि आपकी पिक्चर जो होगी वो जूम हो जाएगी तो दैट इज द क्वेश्चन आंसर अब आपका लेसन कम्प्लीट हो गया है लेसन नंबर फोर आपका कम्प्लीट हो गया है जिसमें हमने पेंट के बारे में पढ़ा थैंक यू